नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। व्यक्ति और किसी भी संगठन से बड़ा राष्ट्र होता है, राष्ट्र प्राणों से बड़ा होता है। हम मिटते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है। शास्त्रों ने, विद्वानों ने धर्म की पांच प्रकार की व्याख्या की है। व्यक्तिगत धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म और वैश्विक धर्म। इसीलिए व्यक्तिगत धर्म से बड़ा राष्ट्रीय धर्म होता है। यही राष्ट्रीय धर्म प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोपरि है और होना भी चाहिए। लेकिन अतीत साक्षी है कि प्रजातंत्र के इस देश में महत्वाकांक्षी विचारों वाले राजनीति ने भी संविधान के आदेशों और उसकी मान्यताओं को मानवीय राष्ट्रीय अधिकारों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों का पोषण और राष्ट्रीयता का शोषण किया है। अपने स्वार्थ में मजहबी विचारधाराओं को आश्रय देकर उनकी अनुसूचित मांगों और कर्तव्यों को मात्र अपना समर्थन जुटाने में वो उचित अनुचित सब मान्य करते रहे। इसका लाभ उठाते हुए जब किसी को कोई बात मनवानी होती है तो उसके पक्ष में धर्म रूपी शस्त्र काम आता है। किसी बात को मानने या किसी को ना मानने में दलील देकर, धर्म की दुहाई देकर सबको चुप करवा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जो आजकल हो रहा है वो मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है। जरा सोचिए कि एक चूड़ी बेचने वाला अगर हिंदू मोहल्ले में जाकर चूड़ी बेच रहा है तो उसे उसके धर्म के आधार पर लोगों ने जमकर पीट दिया, और ये कहां का न्याय है? और अब आप भी ये सोचिए कि ये कहां का न्याय है कि एक मुस्लिम युवक हिंदू बस्ती में चूड़ी बेचेगा तो उसे पीटा जाएगा और कहा जाएगा कि आज के बाद हिंदू क्षेत्र में दिख मत जाना। हालांकि धीरे धीरे इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश का गृह विभाग भी इन्वॉल्व हो गया है और गृह विभाग की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें यह कह दिया गया कि युवक नाम बदलकर चूड़ियां बेच रहा था और उसके पास से दो फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर सच में आधार कार्ड बरामद हुए होते तो आधार कार्ड है कहां और क्यों पुलिस ने आधार कार्ड अभी तक नहीं दिखाए हैं? क्यों अभी तक उसके दो आधार कार्ड को किसी को नहीं दिखाया गया है? लेकिन इन सब के बावजूद आज तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि यह पूरा मामला 22 अगस्त का बताया जा रहा है, जब एक मुस्लिम युवक तस्लीम, जिसका नाम था, वो एक मोहल्ले में चूड़ी बेचने गया तो उसे लोगों ने जमकर मारा पीटा और उसके बाद जो है उसकी काफी जमकर पिटाई की। उसके बाद यह मामला जो है अब काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसका पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें गुस्साई भीड़ चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली को बेरहमी से पीटती दिख रही थी। 13 साल के बच्चे को गलत तरीके से छूने के आरोप में उसकी जमकर पिटाई की गई थी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि छेड़छाड़ में आरोपी तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उस पर अपनी पहचान से जुड़े एक फेक डॉक्यूमेंट्स रखने का भी आरोप है। तस्लीम को मंगलवार रात 6 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। उसके खिलाफ इंदौर पुलिस ने IPC के 7 धाराओं में FIR दर्ज की है। बता दें कि घटना के करीब 72 घंटे बाद 23 अगस्त को चूड़ी बेचने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शिकायत में नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि शर्म की वजह से वो 72 घंटे तक पुलिस के पास शिकायत के लिए नहीं पहुंची थी। पीड़ित बच्ची ने बताया था कि 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे वो अपनी मां के साथ घर पर ही थी और उसी समय तस्लीम चूड़ियां बेचने वहां पर आया था। उसी दौरान उसके साथ उसने छेड़छाड़ भी की थी। इससे पहले कांग्रेस ने छेड़छाड़ के आरोपी चूड़ी बेचने वाले का समर्थन किया था। ऐसे में पूर्व जनसंपर्क मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने इंदौर की घटना पर आक्रोश भी जताया था। PC शर्मा ने कहा था कि जिस लड़की से छेड़छाड़ की बात हो रही है वो अभी तक सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि BJP झूठ के कितने और पुलिंदे बांधेगी। आजकल जो कुछ BJP और उनके संगठन कर रहे हैं ये देश के भविष्य के लिए खतरा है। हालांकि युवक को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।
हालांकि युवक को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गृह विभाग की जिस रिपोर्ट में युवक के पास फर्जी आधार कार्ड की बात कही गई है, वो तो अभी तक मिले ही नहीं है। वीडियो में दरअसल देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक की तलाशी ले रहे हैं और उसके जेब से आधार कार्ड भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और जरा सोचिए कि जिस मामले में अगर गृह विभाग भी शामिल हो जाए तो उस मामले में आईडी निकलवाना कितना आसान हो जाता है, लेकिन आईडी जब होगी तभी तो निकलेगी। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उसकी तलाशी ले रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर आप खुद ही सोचिए कि मामला आखिर हो क्या सकता है। अब अगर मान लीजिए कि तस्लीम ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी तो फिर किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अभी तक लड़की तो सामने आई ही नहीं है। और अगर तस्लीम ने सही में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी तो फिर भीड़ ने किसे यह हक दिया कि आप कानून अपने हाथ में लेकर किसी को भी सरेरा ऐसे पीट देंगे। दरअसल चूड़ी बेचने वाले तस्लीम पर एक छठी क्लास की नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। लड़की के मुताबिक 22 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे एक लड़का चूड़ी बेचने आया था। उसने अपना नाम गोलू और पिता का नाम मोहन सिंह बताया था। अपनी पहचान के लिए उसने एक जला हुआ वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया था। लड़की ने बताया कि जब मां अंदर पैसे लेने गई तभी युवक ने गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ भी उसके साथ करने लगा, जिसके बाद वो चिल्लाई और लोगों ने घेर कर उसे पीटना शुरू कर दिया। लड़की की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले तस्लीम के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था और अब तस्लीम की छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी भी हो गई है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 7 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बयान में 13 साल की पीड़ित बच्ची ने लिखवाया है कि तस्लीम ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। और अब आप ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर ये मामला कैसे शुरू हुआ और क्या इसमें अब तक हुआ है। आगे। 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 आगे।
मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का एक वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार 22 अगस्त का बताया जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। दरअसल यहाँ कुछ लोगों ने चूड़ी बेचने वाले एक शख्स की पूरी तरह से पिटाई कर दी। वीडियो में जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उसकी पहचान 25 साल के तस्लीम के रूप में हुई है। वो यूपी के हरदोई जिले का निवासी है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस से FIR दर्ज कर ली है और इस 2 मिनट के वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि पीला कुर्ता पहना एक शख्स पीड़ित के बैग से चूड़ियां निकाल रहा है। पीछे से एक दूसरा व्यक्ति पीड़ित को थप्पड़ मार रहा है। ये शख्स पीड़ित से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके बाद चूड़ी बेचने वाले युवक को पीटने के लिए लोगों को उकसाया जाता है। घटना के समय आसपास खड़े लोगों से कहा जाता है कि कम से कम एक एक तो सब मारो। मारने के लिए बुलाने वाला शख्स कह रहा है कि कम से कम उस चक्कर में ही मार दो कि बम्बई बाजार का बदला ले रहे हो। बता दें कि इंदौर के बम्बई बाजार इलाके में 14 अगस्त को 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इसमें 10 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज करके कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। बहरहाल आरोपियों को उकसाने पर भीड़ में से कुछ लोग सामने आते हैं और तस्लीम को पूरी तरह से पीटने लगते हैं। पीड़ित को गालियां भी दी जाती हैं और इस बीच पीले कुर्ते में मौजूद शख्स लोगों को तस्लीम की जेब चेक करने को भी कहता है। वो उसे मारने के साथ उसकी जेब में हाथ डालकर मौजूद चीजें भी निकाल लेते हैं। इस दौरान ये कहते भी सुना जा सकता है कि ऐसा मत मारो कि निशान पड़े। पीटने वाले का आरोप था कि चूड़ी बेचने वाला महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। घटना का वीडियो वायरल होने पर इंदौर के बाणगंगा थाने की पुलिस को रात 10 बजे इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद अफसरों ने जांच शुरू कर दी और देर रात 12:30 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई। कहा गया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे। उसको लेकर के इसमें जो है FIR की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में FIR हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा सभी से निवेदन है कि अपना संयम रखे और किसी के बहकावे में ना आए। देखिए क्राउड जो था, क्राउड कार्रवाई की मांग कर रहा था और ऑलरेडी जो है पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी, लेकिन एक लोगों को भावना रहती है कि कहीं इनजस्टिस ना हो उनके साथ में। तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि किसी भी हालत में अन्याय नहीं होगा। जो सही कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो न्याय संगत कार्रवाई है, वो जरूर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद कुछ लोग देर रात युवक को लेकर सेंट्रल कोतवाली थाना पहुंचे। उन्होंने पीड़ित की पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। एहतियात के तौर पर मौके पर 8 थानों के बल को भी तैनात कर दिया। देर रात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, लूट, धमकाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित तस्लीम ने FIR में लिखवाया है कि जब वो इलाके में चूड़ी बेच रहा था तो 5-6 लोगों ने उसका नाम पूछा। तस्लीम के मुताबिक नाम बताने पर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई और उसके 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। साथ ही तकरीबन 25,000 रुपए की चूड़ियां भी लूट ली गई। वहीं पीड़ित शख्स के मुताबिक रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद वो गोविंद कॉलोनी में चूड़ी बेच रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे भी छीन लिए। तस्लीम नाम के युवक का कहना है कि वो चूड़ियां बेच रहा था और पहले लोगों ने उससे उसकी जाति पूछी। जब उसने अपनी जाति बताई तो लोगों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सवाल दिखा देते हैं। FIR पर उठने वाले सवाल ऐसे, पहला सवाल ये है कि पिटाई के करीब करीब 27 घंटे बाद FIR क्यों दर्ज हुई। हालांकि FIR कराने वाली बच्ची और परिवार का कहना है कि वो दुविधा में थे कि FIR कराएं या नहीं, इसीलिए देरी हुई है। दूसरा सवाल है कि 23 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद पीड़िता थाने पहुंची और उसके बाद FIR दर्ज कराई गई, लेकिन उसने FIR में जो बातें कही वही बातें 23 अगस्त की सुबह 10:30 बजे ही प्रदेश
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैसे कह दी, तो ये वो सवाल है जो पुलिस की FIR पर दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना दो दो तीन तीन पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, या किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, ना वैमनस्य फैलाने दिया। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, इन सभी बातों से सवाल अपने आप ही उठने लाजमी हैं। हालांकि घटना वाले दिन की पूरी कहानी एक जरा आप भी एक बार तस्लीम की जुबानी ही सुन लीजिए। आप सुनिए ये वीडियो। तो आपको दिखाएंगे तस्लीम ने उस पूरे दिन की कहानी अपनी जुबानी क्या कुछ बताई। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि अब इस पूरे मामले में तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर ये आरोप है कि तस्लीम के साथ उन्होंने मारपीट की थी। लेकिन उस पूरे दिन क्या कुछ हुआ, आप ही सुनिए तस्लीम की जुबानी। थाने वाले गए, थाने वाला के ठीक है, लेकिन जो भी किया सब गलत किया है, लेकिन अब तुम अपनी जान बचा के थाने वाले माल मिलेगा नहीं, तुम्हारा माल तो सारा बटवा दिया है। पैसा जो हमारा खोसा था पैसे भी निकाला, वीडियो में पैसे भी निकाल दिया, पैसे अंदर निकालने गए, तीन चार लोग चिमट गए, 4500-4800 रुपए इसी थे कुछ, तो अंदर चिमट के फिर निकाल लिए हमारे, तो वो पैसे हमारे फिर हजारों के फाड़ के पुलिस वाले ने उनसे दिलवाए। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी हरदोई के। क्या नाम है आपका? तस्लीम। तस्लीम भाई, तो अभी तुम थाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने? थाने गए थे लेकिन वो पुलिस वाले थे, दरोगा था, लेकिन दरोगे ने पकड़ा पुलिस वाला, दरोगा था लेकिन दरोगा के साथ पुलिस वाले बैठे, हमारा नंबर ले जाओ कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अकेले गए थे थाने? पूछा हमने कहा किससे सपोर्ट रख दो लोग से, भाई हमने कहा माल दिला दो, हमारा घर दिला दो, वापस जाओगे तो और मार डालेंगे तुम्हें, तो तुम यहाँ से अब निकल जाओ। पुलिस वाले खुद बोल रहे थे फोन में, खाने गए थे तुम? वो ब्रिज है बगल में, बाणगंगा की बात, गोविंदपुरा में आता है, गोविंदपुरा में तो वहीं पे गए, पुलिस वाले साथ में गए, वहाँ दवाई लिया। एक आदमी ने बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये लोग खुद ही मार के ले आए, यहाँ पे माल घोस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान नाम पूछ के ज्यादा मारा है। मारा जाता, ये भी बोला था कि नाम यार का बदला ले, वीडियो में है पूरा, तो हां वीडियो में है मुंबई, हम जब हमारे मुंह से वो बोलवाए कि तुम बोलो मुसलमान हो, तो पहले नाम हमने गलत, ये वीडियो उनके ऊपर वाली था, हाँ उधर वाला कोई था, तुम अक्सर नहीं जाते उनके माल में, पहली बार उधर जाते, अक्सर जाते पूरे मोर में घूमते, लेकिन हमें क्या मालूम तो अब
हर पहलू इस खबर से जुड़ा हुआ हमने आपको बता दिया और दिखा भी दिया। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप बाजार में जाते हैं तो क्या आप दुकानदार से उसका नाम पूछकर कपड़े, सामान, सब्जी या फल खरीदते हैं या फिर जाकर बस अपना सामान ले आते हैं। ये सवाल मेरा सीधा आपसे है, जवाब जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप किस आधार पर बाजार में जाकर सामान लेते हैं या फिर आपके गली मोहल्ले में जो सामान बेचने आता है तो उससे किस आधार पर आप सामान खरीदते हैं। हालांकि पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने रविवार देर रात सेंट्रल कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गोविंद नगर में भीड़ में शामिल 5-6 लोगों ने उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया है कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया और उससे 10,000 रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य कई दस्तावेजों के साथ ही करीब 25,000 रुपए भी और चूड़ियां भी छीन ली। लेकिन ये सब किसी ने नहीं देखा, ये किसी ने नहीं सोचा कि चूड़ी बेचने वाले को भी एक बार देख लिया जाए, एक बार जान लिया जाए कि किसने उसके साथ लूट की है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि पुलिस ने पीटने के आरोप में भी कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि ये वीडियो अफगानिस्तान का नहीं बल्कि इंदौर का है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर दावा किया कि पीड़ित लड़के तक लूटे गए सामान, जितनी रकम और नया मोबाइल हमारे साथियों ने उसे पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि तस्लीम बेहद ही डरा हुआ है और अपने घर हरदोई वो वापस जाना चाहता है। वहीं पूर्व आप नेता और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी शुरुआत में इस घटना की निंदा की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक चूड़ी बेचने वाले को घेर कर पीटते ये दर्जन भर लोग अगर इतने ही वीर हैं तो जरा सीमा पर जाकर दुश्मन के आगे जोर दिखाएंगे। आशा है कि सीएम शिवराज सिंह इस पर खुली अराजकता पर आप खामोश नहीं रहेंगे। कानून संविधान के खिलाफ जाने वाले किसी धर्म का हो और देशद्रोही है, कानून सब पर लागू होगा। और जब इंदौर आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने ट्वीट कर इंदौर कि इस घटना के बारे में सही तथ्य बताए तो कुमार विश्वास का ट्वीट भी बदल गया। उन्होंने सराहना करते हुए ट्वीट कर कहा कि धर्म, मजहब, दल सबसे ऊपर, इन सबसे ऊपर कानून है। उन्होंने इंदौर के आईजी और मुख्यमंत्री को बधाई दी और आभार भी जताया। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि ये कहां तक सही है। अगर आपको कुछ अगर सामान बेचना हो तो पहले क्या आपको अपना धर्म देखना होगा और खास तौर पर यह देखना होगा कि कहीं आप अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के मोहल्ले में जाकर तो सामान नहीं बेच रहे हैं। तो आपने यह पूरा मामला जान लिया और वीडियो भी देख लिए। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। पहले इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले को पीटा गया और फिर अजमेर से भी कल हमने चाक के चक्रव्यूह में ही आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक युवक को भीड़ ने खूब पीटा था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या ये मजहबी धर्म की आड़ में राष्ट्रीय धर्म की उपेक्षा और असहयोग नहीं हो रहा? क्या अपनी भावनाओं के कारण राष्ट्र की करोड़ों जनताओं की समस्याओं को कुचलते हुए को क्षति पहुंचाना क्या धर्म है? क्या यह जरूरी है कि अगर किसी को किसी मोहल्ले में सामान बेचने जाना है तो क्या आप उसे अपना धर्म का उसे डंका बजाना पड़ेगा? सवाल उठता है कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए किसने कहा? क्यों आखिर भीड़ एक शख्स पर हावी हो जाती है और क्यों आखिर इस तरह से धर्म के नाम पर अधर्म किया जाता है? सवाल कई है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ चार के चक्रियों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।